दोस्तों कभी कीबोर्ड या माउस निकाल के अपना कंप्यूटर चलाया है? अगर नहीं आज चला के देखें और फिर बताएं कि कंप्यूटर जो है आपको ये एरर क्यों देता है या इस एरर के बारे में कैसे बताता है। अगर आपको नहीं मालूम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सामने के व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं टीचिंग गुरु चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको मेमोरी के बारे में जो है रीड ओनली मेमोरी या रोम जिसको हम कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा। फिर बताता चलूं कि हम आज जो है रोम को डिस्कस करेंगे बजाय रैम। रैम भी जो है वो मेमोरी है लेकिन वो आगे और किसी और वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज मैंने आपको रोम के बारे में बताना है। जैसे ही शुरू में मैंने आपको बताया, वीडियो के स्टार्ट में ही आपको मालूम हुआ है कि कोई भी कीबोर्ड या माउस जब आप इसको अनप्लग करके सिस्टम चलाते हैं तो सिस्टम आपको जो है बूट होते हुए एरर मैसेज शो करता है कि जी कीबोर्ड मिसिंग, माउस मिसिंग। ऐसा कंप्यूटर को किस तरह मालूम होता है या कंप्यूटर जब ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है तो उसके बाद कैसे जाके वो आपको बताता है कि कुछ देर के बाद वो कंट्रोल आपको देता है तो इस दौरान क्या चल रहा होता है? होता मेरे भाई ये है कि जिस टाइम आप पावर ऑन करते हैं कंप्यूटर में करंट जाता है तो रोम के अंदर जो मैन्युफैक्चरर है, आप एचपी का कंप्यूटर लिया तो एचपी उसके मैन्युफैक्चरर है, डेल का है तो वो, उन लोगों ने हिदायत लिखी। ये हिदायत कहाँ मौजूद है? रोम के अंदर। और ये परमानेंट है। परमानेंट मतलब कि ये डिलीट नहीं होती। जब भी कंप्यूटर को पावर सप्लाई गई ये इंस्ट्रक्शन वन बाय वन एग्जीक्यूट होना शुरू होती है, पहली दूसरी तीसरी चौथी। वहां आपका कंप्यूटर जो है इन डिवाइसेस को चेक करता है कि पहले मेरे पास ये डिवाइसेस थी, अब ये है, जहां फर्क आया वो आपको बता देता है। इस तरीके से उसको मालूम पड़ जाता है रोम की हिदायत के मुताबिक कि जनाब ये चीज मिसिंग है। सिर्फ रोम में ये हिदायत नहीं है कि वो आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को भी लोड करने की हिदायत है। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपकी हार्ड डिस्क में पड़ा है वहां से वो लोड करके रैम में लोड करता है। ये भी इंस्ट्रक्शंस आपके रोम के अंदर मौजूद है। इसको लोड करने के बाद फिर जो है कंट्रोल आपको देता है, अब आप अपना पासवर्ड देके लॉग इन हो जाए। रोम रीड ओनली मेमोरी है, इसको जस्ट पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई चेंजिंग हम नहीं ला सकते। इसमें चेंजिंग आपका मैन्युफैक्चरर लाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको रोम के बारे में जो बताई हैं चीज़ें ये कवर हो गया होगा। इसमें आपका कोई भी इशू है, कोई भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस सिलसिले की जो वीडियोज हैं मजीद जो आनी है वो उनका बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को आप लाइक कर ही चुके होंगे, इसको दूसरों के साथ शेयर भी कर दें ताकि ये नॉलेज आप आसान जबान में सब दोस्तों तक जो है पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।